हेलो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड आवर सेकेंड लेक्चर ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक। तो सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं रिवाइज कर लें कि मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था। कल मैंने आपको बताया था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक के बारे में, उसके बेसिक्स के बारे में, एंड मैंने उसकी कैटेगरी डिफाइन करी थी कि वो कितने पार्ट्स में टूटा पड़ा है। और हमने आपको ये बताया था कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका हमें पढ़ने का क्या रीज़न है। दैट्स व्हाई मैंने आपको ये एक्सप्लेन करा था कि रैंडम वॉक का स्टैटिस्टिकल मैकेनिक से क्या कनेक्शन है। ठीक, इन दोनों का आपस में जो कनेक्शन है वो मैंने आपको बताया था कि हम रैंडम वॉक को स्टैटिस्टिकल मैकेनिक में क्यों पढ़ते हैं। ठीक, अब फर्दर आगे बढ़ते हुए मैंने आपको अब पढ़ाना है स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन वेरियंस, ठीक, रैंडम वॉक के प्रॉब्लम में, और जो कि आता है CSIR नेट में, ये पूछा जाता है। ठीक है, चलो एक छोटा सा पहले मैं आपको ये बताऊं कि जैसे देखो रैंडम वॉक के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्योंकि पार्टिकल्स अगर हेयर एंड देयर मूव कर रहे हैं और अगर हमको उनका एवरेज निकालना है या मुझे उनकी मूवमेंट पता करनी है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक में तो हम यही काम करते हैं। किसी पार्टिकल का हम इंडिविजुअल पार्टिकल पे तो काम करते नहीं है, हम सारे पार्टिकल्स को लेकर के हम उनका एवरेज निकालते हैं, जिससे हम उसको उसके पाथ को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, दैट इज स्टैट मैकेनिक्स। और इसी काम को हम रैंडम वॉक में करते हैं, जिसमें कि जैसे कि कोई भी पार्टिकल जा रहा है, अब उसका स्टेप लेंथ दिया हो या फिर उसका मीन निकालना हो, वेरियंस निकालना हो, एवरेज निकालना हो, ठीक, ये काम करते हैं हम रैंडम वॉक में। इसलिए हम रैंडम वॉक को स्टैटिस्टिकल मैकेनिक में कंसिडर करते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, I hope you all have got my point. Okay. Second thing is that अब आपको क्या पढ़ना है, मैंने आपको रैंडम वॉक एक नॉर्मल से क्वेश्चंस मैंने आपको एक शायद कराया था जिससे मैंने आपको समझाया था कि रैंडम वॉक के क्वेश्चंस कैसे करे जा सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंडली हम आपको आगे बताते हैं उसका मीन वेरियंस और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले हम आपको इसकी फिजिकल मीनिंग बता देते हैं, फिर हम इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है, देखो मीन इज व्हाट, जैसे आपने बचपन में नहीं करा था, बचपन में क्वेश्चंस नहीं आते थे, मतलब 9th-10th में, कि भाई बहुत सारी चीजें दी हुई हैं और सबको ऐड कर दो और वो कितनी सारी है उसको डिवाइड कर दो। जैसे कि अगर एग्जाम्पल कि अगर हमें एक डाइस का करना है कैलकुलेट, है तो डाइस में कितने नंबर आए, मान लो 3, 4, 5, 6, 7 आए। ठीक, तो हम जो है 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7 करा और उसके डिवाइड बाय कितने नंबर्स, टोटल वो 5 नंबर्स हैं, तो हम उसको डिवाइड कर दिए टोटली 5 नंबर से। ठीक, ऐसे ही हम निकालते हैं अपना मीन। दैट इज द थिंग, हम यहां पर भी सेम तरीके से मीन निकालते हैं, यही इसकी फिजिकल मीनिंग है, सारी चीजों को छोड़ कर करके एंड जितना होगा उसको से डिवाइड कर दो, दैट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ मीन। ठीक, अब आओ वेरिएंस पे। वेरिएंस की फिजिकल मीनिंग हम ऐसे आपको डिफाइन कर सकते हैं कि देखो वेरिएंस का मतलब होता है स्कैटरिंग। ओके, वेरिएंस का मतलब होता है स्कैटरिंग। कोई भी डाटा या आपका कोई भी जो आपने कैलकुलेट करा है वो कितने टाइप्स में वो स्कैटर हुआ है। अगर इन द सेंस हम स्टैट्स के लैंग्वेज में बात करें तो जिस पार्टिकल या जिस सिस्टम के पार्टिकल को आप मेजर करना चाहते हो, उसके बारे में निकालना चाहते हो, वो कितने तरफ से वो स्कैटर हुआ है, वो वेरिएट हुआ है, किस किस पाथ पे वो वेरिएट हुआ है, दैट इज कॉल्ड वेरियंस। ठीक, अब आओ स्टैंडर्ड डेविएशन पे। और एक चीज सुनो, वेरिएंस को ही डेविएशन भी कहा जाता है, इन द सेंस पार्टिकल अपने पाथ से कितना डेविएट हो रहा है, दैट इज डेविएशन, उसी को वेरिएंस कहा जाता है। ठीक है, अब आओ स्टैंडर्ड डेविएशन पे। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, बस। अच्छा, अब देखो जब हमारे पास वेरिएंस है तो फिर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की क्या नीड है, हम तो वेरिएंस से भी काम कर रहे हैं, सेम ही चीज तो चल रही है आगे, है एक अंडर रूट करके कॉम्प्लेक्स क्यों बनाना चीजों को, उसका मतलब सुनो। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का एक अगर हम फिजिकल मीनिंग की बात करें तो उसमें हम ये कह सकते हैं, देखो किसी किसी पार्टिकल्स का, जैसे अगर आपका सिस्टम छोटा है, ठीक, तब तो उसका आपका वेरिएंस भी छोटा आ रहा होगा,
गॉट माई पॉइंट. मगर अगर सिस्टम आपका बड़ा है, ठीक है, अगर आप किसी बड़े सिस्टम का आप मीन निकाले, वेरियंस निकाले, यार तो उसका वेरियंस तो क्वाइट लार्ज आएगा ना, थोड़ा बड़ा आएगा ना. अब उतने को हैंडल कैसे करेंगे हम? फिजिक्स में अगर हम चीजों को बना रहे हैं तो हर कुछ को शॉर्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, तो वहां पे इतने बड़े सिस्टम का हम वेरियंस कैसे लेके चलेंगे? दैट्स व्हाई ये चीज आई कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेके चलते हैं, जिसमें कि हम जो वेरिएशन आता है उसको हम अंडर रूट करके उसकी एक वैल्यू निकालते हैं और फिर हम उसको लेके आगे चलते हैं. आई होप यू ऑल गॉट माई पॉइंट. आप सबको फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आ गया होगा इन चीजों का, ठीक है. अब इसके आगे हम क्वेश्चंस करते हैं. अब देखो, अगर मैं आपको कहूँ कि ये जितने भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, इन सब के पर्टिकुलर फॉर्मूले हैं, जिस फॉर्मूले को पुटअप करके आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली निकाल सकते हो, ठीक है, मेरी बात समझना, कोई भी क्वेश्चन आप इजिली निकाल सकते हो. देखो, अगर मैं आपको अभी बताऊं कि उस फॉर्मूले को कैसे मैंने डिराइव करा है, उसका अपना एक प्रोसेस है. देखो, जो बायनोमियल थ्योरम से जो आपका मैंने निकाला था, एक इक्वेशन आपको मैंने कल बताई थी रैंडम वॉक के प्रॉब्लम में रखने के लिए, ठीक है, उसी इक्वेशन से डिराइव करते हैं बाकी सारे भी कंडीशंस को. मगर अगर अभी यहाँ मैं इस लेक्चर में आपको डिराइव करूँ या बताऊँ तो मुझे लगता है कि लेक्चर क्वाइट लेंथी हो जाएगा एंड इतना आपको आपको मतलब इतना आता नहीं है. डायरेक्ट आपसे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछता है रैंडम वॉक में, वो ज़्यादा घुमा नहीं सकता चीज़ों को, ठीक है, तो वो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है. अब सुनो, जिस जिस टाइप का वो क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, मतलब जिस जिस टाइप का उसने क्वेश्चन पूछा है आज तक पेपर में, वो सारे क्वेश्चंस का मैंने एक कलेक्शन बनाया है, उसको अभी हम आपके सामने दिखाते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे करना है, क्या करना है और जो फॉर्मूलेज हैं वो क्या क्या हैं, हम वो अभी सब कुछ आपको बताते हैं वन बाय वन, कंप्लीटली रैंडम रैंडम वॉक को खत्म करते हैं, ठीक है. चलो आज चलो देखो, ये यहाँ पे सारे मैंने जो भी मैंने आपको बताया था कि जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगे, फॉर्मूलेज होंगे, जिनको जिनके थ्रू डायरेक्ट हम क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे देखो एक समराइज कर दिया है, ठीक है. आप इसको चाहो तो आप इसको नोट कर लो. मैं आपको डेफिनेटली बताऊँ, पूरे रैंडम वॉक के क्वेश्चन का ये बहुत मेन पार्ट है, इसी के थ्रू आपके सारे क्वेश्चन हो जाने हैं वन बाय वन, ठीक. अच्छा, अब हम आपको डिफाइन करते हैं कि क्या क्या चीज़ है. देखो यहाँ पे देखो, मीन वैल्यू निकालने के लिए जब आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि आपको मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, N1 N2, इसको हम क्या कह सकते हैं. जैसे देखो, मैंने आपको बताया था ना कि प्रोबेबिलिटी होती है कि वो एक साइड जा रहा है या दूसरे साइड जा रहा है, या वो N1 स्टेप चला राइट साइड या फिर वो N2 स्टेप चला लेफ्ट साइड, ठीक है. हमने आपको एक चीज़ बताई थी, N=N1+N2, ठीक, मतलब टोटल स्टेप्स हमारे पास N है ना, और उसके बाद जितना वो लेफ्ट चला वो ये, जितना वो राइट चला वो ये. अगर क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि आप मीन वैल्यू निकालो कि कितना वो राइट चला, ठीक है, अगर कितना वो राइट चला उसको हम अगर N1 से डिनोट करें, तो आप डायरेक्ट जितने भी वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ दिए होंगे स्टेप्स उसके, ठीक है, मतलब जितना वहाँ पे N दिया होगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दो P से. P क्या है, Q क्या है और L क्या है. यहाँ पे आपको तीन टर्म्स दिख रहे होंगे, P, Q, L और N, ठीक. N तो आपका टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हो गया, P आपका क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग स्टेप राइट, Q क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग स्टेप लेफ्ट, ठीक. L क्या हो गया आपका स्टेप लेंथ, मतलब वो एक बार में वो कितना चल रहा है, दैट इज उसका स्टेप लेंथ हो गया, ठीक. N1, N2, M और X, ठीक. इतनी चीजें आपने डायरेक्ट आनी है. X क्या है आपका, X होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक. अब देखो, अब आओ वेरिएंस पे. वेरिएंस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपसे ना डायरेक्ट क्वेश्चन में ही वो पूछेगा कि आप इसका ना वेरिएंस बताओ, ठीक है. और वेरिएंस बताने के लिए देखो, N1, N2, M और X, इतनी चीजें हैं. अब देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला है N1 के लिए NPQ, इसके लिए NPQ, इन दोनों का सेम ही होता है बिल्कुल, ठीक है. और इसका 4NPQ और 4NPQL स्क्वायर.
क्योंकि x की वैल्यू होती है ml, ठीक है, स्टेप डिस्प्लेसमेंट होता है m इंटू एल, मतलब एल का मतलब होता है कितने वो स्टेप लेंथ चला है, और एम की वैल्यू होती है कि वो कितनी बार चला है। मेरी बात फिर से ध्यान से समझो, एक्स का एक्स आपका होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कि कितना वो चला है, ठीक है। एक्स की एक्स इज इक्वल टू होता है एम एल, इस चीज को याद करके रखो, एक्स इज इक्वल टू एम एल होता है, जिसमें से कि एल होती है आपकी स्टेप लेंथ कि वो कितना चला है, और एम होता है मतलब कितना वो एक बार में चला है, स्टेप लेंथ उसका पर स्टेप उसका कितना मूवमेंट था वो होता है एल, और कितनी बार चला है दैट इज एम, ठीक। वैसे जनरली क्वेश्चन में देखो एम नहीं दिया होता, जनरली क्वेश्चन में एम नहीं दिया होता, तो अगर आपको कभी वेरिएंस में या मीन में अगर आपको एम की नीड पड़े तो वहां पे क्वेश्चन में आपको एल दिया होगा और एक्स दिया होगा, ठीक है। तो यहां से आप एम की वैल्यू एल बाई एक्स बाई एल निकाल सकते हो, इतना क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन होगा, ठीक, या फिर वो डायरेक्ट आपसे पूछेगा वेरिएंस क्या है, ठीक है। अब आओ स्टैंडर्ड डेविएशन पे। स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग, उसको देखो सिग्मा से डिनोट किया जाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को, और ये वेरिएंस का ही स्क्वायर रूट होता है, सी एनपीक्यू एनपीक्यू सी, ठीक, ये वेरिएंस का ही स्क्वायर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन आपका, ठीक है। चलो अब लेट्स गेट स्टार्टेड, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। चलो आ जाओ, ये देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। ए वन डायमेंशनल रैंडम वॉकर टेक्स स्टेप टूवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। ध्यान देना, वो लेफ्ट में भी और राइट में भी इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ चल रहा है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वॉकर स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन इज बैक टू ओरिजिन, मतलब वो ओरिजिन से चल के वापस वो ओरिजिन पर ही आ रहा है आफ्टर एन स्टेप्स, ठीक, आफ्टर एन स्टेप्स वो वापस आ रहा है। देन देखो ये देखो, ये जो आपके पी और क्यू की वैल्यू देखो यहां पे डायरेक्ट नहीं दी है, मगर यहां पे जो लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग स्टेप्स टूवर्ड लेफ्ट एंड टूवर्ड राइट विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इक्वल प्रोबेबिलिटी अगर होगी इन द सेंस पी प्लस क्यू क्या होना चाहिए, वन तो होना ही चाहिए और इक्वल है, इन द सेंस ये दोनों की वैल्यू हाफ हाफ होगी, ये बात अंडरस्टूड है, ठीक है। अच्छा अब देखो ये बैक टू वो अपनी जगह पे वापस आ जा रहा है वो जहां से चला है, इसका मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है वहां पे, जीरो। अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो एक्स इज इक्वल टू एम एल होता है, इट मीन्स एम एल की वैल्यू भी जीरो हो गई, समझ रहे हो आप, ठीक है। जब एम एल की वैल्यू जीरो हो गई तो यहां से हम कह सकते हैं कि एम की वैल्यू भी हो गई जीरो, ठीक। अब देखो आपका जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी वाला, ठीक, यहां पे एन सी एन वन इंटू पी की पावर एन वन इंटू क्यू की पावर एन माइनस एन वन, यहां पे अपना उठा करके रखो, पी क्यू की वैल्यू रखो एन माइनस एन वन, यहां पे देखो हाफ एन बाई टू हो जाएगा क्योंकि इक्वल प्रोबेबिलिटी पे चल रहे हैं दोनों, हाफ हाफ इधर उधर, तो एन बाई टू यहां भी हो जाएगा, एन वन की वैल्यू यहां भी रखोगे तो एन बाई टू यहां भी हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे यू गॉट दिस, ओके। देखो सेकेंड पे आप कंसिडर ए रैंडम वॉक ऑन ए स्क्वायर लैटिस। मेरी बात ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में ऑन ए स्क्वायर आएगा तो ऑन ए स्क्वायर ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है 2D को, इस फैक्टर को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो कंसीडर ए रैंडम वॉकर ऑन ए स्क्वायर लैटिस एट ईच स्टेप द वॉकर मूव्स टू द नियरेस्ट नेबर साइट, जैसे उसके बगल वाला साइड, ठीक है, विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, यहां भी इक्वल प्रोबेबिलिटी है, फॉर ईच ऑफ फोर साइड्स द वॉकर स्टार्ट्स एट ओरिजिन एंड टेक्स थ्री स्टेप, द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग दिस वॉक नो साइट इज विजिटेड मोर देन वंस, ठीक। अब यहां पे हम क्या कहेंगे, ये देखो वो यहां से चला, मान लो तुम देखो पूरे लैटिस में स्क्वायर लैटिस ऐसे ही बना सकेंगे हम, ठीक। अब यहां पे देखो तुम कोई भी साइड ले लो, जो तुम्हारी मन करे वो ले लो, मैं इसको ले लू, ठीक, बुरा तो नहीं मानोगे सारे हैं। देखो
अगर वो यहाँ पे खड़ा है तो चाहे तो वो यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, वो चारों डायरेक्शन में वो कहीं भी जा सकता है। ठीक, अब चलो ठीक है, हम एक डायरेक्शन उसका लेते हैं, मान लो वो यहाँ पे गया। ठीक, अब इसने ये लिखा है ऊपर कि नो साइट इज विजिटेड मोर देन वंस सी। ठीक, इसका मतलब अगर ये यहाँ पे चला तो ये यहाँ से यहाँ तो नहीं आएगा। ठीक है, इस साइट पे ये वापस तो आएगा नहीं। ठीक, अब देखो ये यहाँ से यहाँ चला, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 4 out of 4। अगर हम लेके चले तो 4 out of 4 चार डायरेक्शंस हैं और चार में चारों पॉसिबल है कि वो चारों में से कहीं भी जा सकता है, तो 4 out of 4 समझ सकते हैं हम यहाँ से। सेकंड साइड पे आओ यहाँ पे, अब क्योंकि ये यहाँ तो वापस जा नहीं सकता, टोटल साइड्स कितने हैं आपके पास, 4, यहाँ वो वापस जा नहीं सकता तो आप कहाँ जा सकता है, वो बचे कितने, 3 साइड्स। ठीक, तो मतलब 3/4। अब चलो यहां से यहां ले लेते हैं हम। ठीक है, अब अगर वो यहां आया तो अब वो यहां तो जाएगा नहीं, या तो वो यहां जाएगा या तो यहां जाएगा या तो यहां जाएगा। ठीक, इट मींस यहां भी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4, और वो चूज क्या कर सकता है, 3 प्रोबेबिलिटीज में से कोई एक कर सकता है। इसका मतलब यहां ले लेते हैं, उसने टोटल स्टेप्स कितने लिए, 3। तो देखो यहां से यहां एक स्टेप, यहां से यहां दूसरा स्टेप, यहां से यहां तीसरा स्टेप। ठीक, अगर इसका हम अगर निकालने जाएंगे, ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी अगर हम इसका निकालें, प्रोबेबिलिटी ही पूछा है ना, इसका अगर हम निकालें तो देखो 4/4 पहले स्टेप का, दूसरे का 3/4 सेकंड का, और थर्ड का भी 3/4 जो मैंने आपको बताया। इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आ जाओ सेकेंड पे आ जाओ। देखो मान लो एक हेक्सागोनल लेटेस है, ठीक, उस पे भी यहाँ पे भी हम सेम क्वेश्चन रखते हैं जो हमने पिछली बार रखा स्क्वायर वाले पे, सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है। ठीक है, वो 3 स्टेप चल रहा है मगर कहीं पे भी वो वापस नहीं मूव कर रहा। ठीक, अगर यहाँ पे भी हम सोचें तो देखो कोई भी पॉइंट ले लो अपने मन से, कुछ भी ले लो, जैसे मान लो मैंने एक यही ले लिया। ठीक, अब देखो अब यहाँ पे इसको कहाँ मूव कर सकता है, या तो यहाँ कर सकता है, या तो यहाँ कर सकता है, या तो यहाँ कर सकता है। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है उसके पास, 3 है। ठीक, अब 3 प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे तो वो तीनों जगह मूव कर सकता है ना, पॉइंट है, तो 3/3 सेकेंड स्टेप के लिए। अब वो यहाँ आ गया, यहाँ पे तो वापस आएगा नहीं, तो या तो वो यहाँ जाएगा या तो वो यहाँ जाएगा, इसका मतलब 2/3। और थर्ड साइड के लिए भी सेम, या तो इधर, तो 2/3। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, यू गॉट द आंसर। ठीक, अब आओ 3D वाले केस पे आते हैं। देखो सेम केस लेते हैं, 3 स्टेप्स उसको चलने हैं। ठीक है, वो किसी भी साइट पे दोबारा विजिट नहीं कर रहा है। ठीक, अब अगर सेम इस केस को अगर हम लेके चले, मान लो जैसे देखो 3D का एक पिक्चर मैंने बना रखा है क्यूब का। ठीक, अब देखो क्यूब में क्या होता है, आपको देखो दिख तो रहे हैं 3 साइड्स, मगर एक ध्यान रख के सोचो, आप अपने कमरे में अगर खड़े होकर के सोचो तो क्या होता है, एक आप जहां मतलब एक 4 डायरेक्शंस तो आपके आगे पीछे हो जाएंगे। ठीक, एक आपके ऊपर और एक नीचे, इन द सेंस टोटल 6 होते हैं डायरेक्शंस क्यूब में। ठीक, 6 फेजेस होते हैं, इसका मतलब उसके पास चांस होगा कि वो 6 साइट्स पे विजिट कर सकता है। ठीक है, 6 साइट्स पे वो विजिट कर सकता है। देन वहां पे अगर आप देखो, देन प्रोबेबिलिटी पहले साइड की विजिट करने की क्या हो सकती है, 6/6, दूसरे साइड की 1 तो कट जाएगा, 5/6, तीसरे साइड की 5/6, इसको मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज द थिंग। ठीक, अच्छा अब एक चीज और देखो, यहां पे देखो, ए रैंडम वॉक टेक ए स्टेप ऑफ यूनिट लेंथ इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी 2/3 एंड द स्टेप ऑफ यूनिट लेंथ इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ 1/3। इसका मतलब ये P दिया है, ये Q दिया है, ध्यान समझना, द मीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वॉकर आफ्टर n स्टेप इज, डायरेक्ट पूछा है मीन डिस्प्लेसमेंट निकालना है वॉकर का आफ्टर n स्टेप्स, आपको मैंने डायरेक्ट लिखवाया था फॉर्मूला। ठीक है, मीन का ध्यान रखो, उसको वापस पलट के देखो, x = क्या था, n into p - q into l। ठीक,
यहाँ पे अपने p की q की वैल्यू रखो, n और l क्वेश्चन में दिया, n तो डायरेक्ट l ही दिया है, n ही दिया है क्वेश्चन में, और देखो इस स्टेप का देखो दिया है यूनिट लेंथ, इन द सेंस यूनिट लेंथ मतलब l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, फॉर्मूले में रखो मीन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट निकलेगा। यहां देखो मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट और वेरिएंस इन डिस्प्लेसमेंट और फाइंड आउट डिस्पर्सन इन डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको बताया था पीछे भी कि तीनों चारों सब एक ही होते हैं, ठीक है। अब देखो इसका भी डायरेक्ट लिखवाया था फॉर्मूला मैंने, 4 npq l स्क्वायर। यहाँ पे अपना आप फॉर्मूला, फॉर्मूले में आप अपनी वैल्यू रखो p की q की l की, यू गॉट द थिंग, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन इन डिस्प्लेसमेंट। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए जो आपने निकाला है इसी को आप अंडर रूट कर दो, सी स्टैंडर्ड डेविएशन बाहर आ जाएगा, ठीक है। समझ सकते हो कि बहुत टफ चीजें नहीं है ये सारी, जस्ट बिकॉज ऑफ तीन चार फॉर्मूले आपके माइंड में रहेंगे ना, क्वेश्चंस पानी की तरह होंगे, बिल्कुल ट्रस्ट मी क्वेश्चंस बहुत आराम से होंगे, जस्ट डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस कि आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हो। अब देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, दो तीन बार नेट में डायरेक्शन वाले क्वेश्चन दिया है रैंडम वॉक में, चलो एक वो भी तुम लोगों ने करके बताते हैं। हियर इट इज, देखो CSIR का एक क्वेश्चन है ये, आप लोग को तो दिख रहा हो, समझ में आ रहा होगा, है ना। देखो ए चाइल्ड मेक्स ए रैंडम वॉक ऑन ए स्क्वायर लैटिस विथ लैटिस कॉन्स्टेंट ए, ठीक, टेकिंग ए स्टेप इन द नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट डायरेक्शन विथ प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं रिस्पेक्टिवली। आफ्टर ए लार्ज नंबर ऑफ एन स्टेप्स द एक्सपेक्टेड पोजिशन ऑफ द चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? अब देखो अगर हम इस क्वेश्चन को फिगर के फॉर्म में कन्वर्ट करें देन हम यहाँ कह सकते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, चार दिए डायरेक्शंस, ठीक। अब उसमें देखो अगर इनकी प्रोबेबिलिटी हम लिखें यहाँ पे, सबकी अपनी अपनी, ठीक है। देखो इसको अगर हम आई मान लें, इसको हम जे मान लें, ठीक, एक्सिस मान लेते हैं, इसको हम आई मान लेते हैं, इसको हम जे मान लेते हैं, तो एक यही एक्सिस है ना जहां पे आई प्लस जे होगा, मतलब आई भी पॉजिटिव होगी जे भी पॉजिटिव होगी, है ना। डायरेक्शन पूछा है, डिस्टेंस डायरेक्शन कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, तो हम कौन सा साइड ले सकते हैं जिसमें कि दो के दोनों पॉजिटिव हो, यहां वाला, ठीक। अब देखो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका जो हम मीन निकालते हैं मतलब डिस्टेंस जो हम इसका निकालते हैं वो हम निकालते हैं एक फॉर्मूले के थ्रू। देखो यहाँ मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है बट हम आपको बता रहे हैं कि मैंने करा क्या है। सी देखो यहाँ पे क्या करा है मैंने, एन आपके टोटल स्टेप्स हैं, ठीक। अब उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी माइनस दिस प्रोबेबिलिटी, मतलब आई कैप अलग निकालो जे कैप अलग निकालो, ठीक, आई कैप अलग निकाला जे कैप अलग निकाला, ठीक। अब उसको मल्टीप्लाई कर दो तुम्हारे स्टेप लेंथ से, ठीक है। देखो एन ए ये और यहां से कॉमन निकल गया, ठीक है। अब देखो अब ये आई है और जे है, इनका मैग्नीट्यूड ले लो, सी यू गॉट द आंसर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। सो मेरी तरफ से आपका रैंडम वॉक क्लियर। देखो मैंने अपने से अपने तरफ से अपना एक बेस्ट समझाने की कोशिश करी है आपको, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने आपको क्या किस तरीके से पढ़ाया है। प्लीज़ एक बार आप जितने प्रीवियस ईयर्स के रैंडम वॉक्स के प्रॉब्लम है, जितनी भी चीज़ें हैं, आपको जहाँ से मिल पाए आप ढूंढो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस करो, नहीं आ रहा आप ग्रुप में डालो, हम डेफिनेटली आपको आंसर करेंगे, ठीक है। आप प्रैक्टिस जरूर करो रैंडम वॉक पे, ठीक है। चीज़ें बहुत छोटी सी हैं, बहुत छोटी सी चीज़ है मगर जब घुमाती है ना, तो अगर प्रैक्टिस नहीं होता ना तो फिर चीज़ें घूमने लगती हैं, ठीक है। तो प्लीज़ यार आप ना थोड़ी प्रैक्टिस करो और डेफिनेटली चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक। चलो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। देखो
रैंडम वॉक हो गया। अब हम आपको कुछ बेसिक चीजें बताते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक की, बेसिक चीजें इन द सेंस। देखो जब आपके क्वेश्चंस आते हैं स्टैट्स के तो उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके अपने खुद की कुछ मीनिंग्स होती हैं, कुछ उनकी उनके मतलब होते हैं उनके ऐसे बोलने के, ठीक है। तो हम आपको एक एक करके उन सारी चीजों के बारे में बताते हैं ताकि आप क्वेश्चन से थोड़े से फैमिलियर हो जाओ कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है या क्या कहने की कोशिश कर रहा है, आप उसके वर्डिंग्स को पकड़ने की कोशिश करोगे, ठीक है। चलो कुछ कुछ बेसिक्स या कुछ फंडामेंटल्स कह लो, चलो ठीक है हम आपको क्लियर करते हैं। देखो हमने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को हम दो पार्ट में क्रॉस कर सकते हैं, एक क्लासिकल और एक क्वांटम मैकेनिकल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। क्लासिकल में मैंने आपको क्या बताया था कि वो क्लासिकल पार्टिकल्स होते हैं जिनकी इंटीग्रल स्पिन्स होती हैं, ठीक। और क्वांटम पार्टिकल्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, जिनके हाफ ऑड इंटीग्रल स्पिन्स होते हैं, गॉट इट। क्वांटम पार्टिकल्स के बारे में मैंने आपको बताया था जिसके हाफ ऑड इंटीग्रल स्पिन्स होते हैं, और क्लासिकल पार्टिकल्स के बारे में मैंने आपको बताया था जिसके इंटीग्रल स्पिन्स होते हैं, ठीक है। अब देखो क्वांटम पार्टिकल को हम इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स भी कहते हैं, क्वांटम पार्टिकल को हम इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल भी कहते हैं, क्लासिकल पार्टिकल्स को हम डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल कहते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है, हम क्या बताने जा रहे हैं आपको। अब आपके सामने मैंने दो वर्ड रखा, डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल। अब हम आपको उसका मतलब बता रहे हैं। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब अगर मैं आपको बताऊं एक बिल्कुल से नॉर्मल सी लैंग्वेज में, देखो कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा डेफिनेशन या बहुत कुछ खींच के नहीं, अगर मैं बिल्कुल नॉर्मल सी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो इसका मतलब ये होता है कि वो पार्टिकल जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप पता कर सकते हो कि कौन सा पार्टिकल कौन सा है, मतलब सारे पार्टिकल आपस में अलग अलग होंगे, ठीक। जिससे समझ लो, मेरी बात समझना, एक क्लास है, ठीक, एक क्लास में बहुत ढेर सारे बच्चे हैं, ठीक है। अब उन सारे बच्चों की तो शक्ल ही अलग अलग है, ठीक। अब जब सारे बच्चों की शक्ल अलग अलग है तो सबका नाम अलग अलग है, आप सबको पहचान तो सकते हो ना कि हाँ ये पर्सन है, वो दूसरा पर्सन है, वो तीसरा पर्सन है, आप सबके बारे में पहचान सकते हो, सबको आप समझ सकते हो कि कौन सा कौन है। वहां पे हम उसको कहते हैं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, मतलब जिसमें हम अंतर कर सके, डिस्टिंग्विश कर सके उसको, उसको कहते हैं हम डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, ठीक। अब मेरी बात समझो, इनके जो वेव फंक्शन होते हैं, वेव फंक्शन मतलब पार्टिकल जिस तरीके से वेवली मूव कर रहा है, उसके जितने भी वेव फंक्शन होते हैं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल में, सबके हर पार्टिकल का अपना एक अलग वेव फंक्शन होता है। जैसे अगर मैंने आपको क्लास एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको डिफाइन करूं तो कौन सा बच्चा कैसे लिखेगा, कैसे चलेगा, कोई कितना लंबा है, कोई कितना छोटा है, सबकी एक अपनी अलग अलग खासियत है, पॉइंट है। इसी तरीके से डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल में हर पार्टिकल का जो वेव फंक्शन होता है ना वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होता है, दैट्स वाई, क्योंकि उनके वेव फंक्शन डिफरेंट होते हैं तो वो आपस में ओवरलैप नहीं करते, जब वो ओवरलैपिंग नहीं होते तो सारे पार्टिकल अलग अलग चलते हैं तो वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी फॉलो नहीं करते। इसका मतलब है हम हर पार्टिकल का पोजिशन और मोमेंटम प्रिसाइसली डिफाइन कर सकते हैं एट ए टाइम, ठीक। किसी भी पार्टिकल का पोजिशन और मोमेंटम प्रिसाइसली एट ए टाइम हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। अब आओ इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल में। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं, क्योंकि डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स क्लासिकल पार्टिकल्स होते हैं तो ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान को फॉलो करते हैं, ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। इसका मतलब हम इनके मूवमेंट को ट्रेस कर सकते हैं, हम इनके मूवमेंट को पकड़ सकते हैं, ठीक है, हम समझ सकते हैं कि ये पार्टिकल ऐसे गया है तो वो पार्टिकल वैसे गया है तो वो पार्टिकल वैसे गया है, ठीक। हम सबको अपना एक पर्टिकुलर नाम ए बी सी डी ई जो भी हम दे सकते, क्योंकि सारे अलग अलग होते हैं।
ठीक है। अब आओ इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स में, जैसे कि आपको नाम तो समझ में आ रहा होगा, जैसे जितना मैंने अभी तक आपको बताया, इस पार्टिकल्स में क्या होता है कि इसको हम डिस्टिंग्विश, तो क्या ये सारे के सारे सेम होते हैं? इसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इसमें हम डिफरेंस नहीं निकाल सकते, बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। अब मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल बताऊं, एज लाइक यार चाइनीज मान लो, चाइनीज में कह सकते हैं सबकी शक्लें बेसिकली सेम सेम टाइप लगती हैं, छोटी-छोटी आंखें हैं, छोटे-छोटे हाथ हैं, सबके बेसिकली सेम सेम टाइप लगते हैं, बिल्कुल शक्लें हैं। अभी जैसे एक गया तो समझ ही नहीं आएगा कि जो दूसरा वाला सेम है कि कोई दूसरा जा रहा है ना, शक्लें शक्लें काफी मैच करती हैं उन लोगों की, तो उसके तरह से समझ लो, या जैसे भी आपको समझ में आए समझ लो, इन पार्टिकल्स को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते क्योंकि ये सारे के सारे एक जैसे दिखते हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं ये, ठीक है, आइडेंटिकल पार्टिकल जिसका शेप साइज वॉल्यूम उन पार्टिकल्स का सबका सेम होता है, क्योंकि ये इन सारे पार्टिकल्स सेम होते हैं इसलिए इनके वेव फंक्शंस भी सेम होते हैं, क्योंकि इनके वेव फंक्शन सेम होते हैं तो ये आपस में ओवरलैप करते हैं, इनके वेव फंक्शन, क्योंकि इनके वेव फंक्शन ओवरलैप करते हैं इसलिए ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसका मतलब एट ए टाइम हम इनके मोमेंटम को और पोजीशन को हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, मेरी बात समझना, इनके पोजीशन को मोमेंटम को हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, हम ही नहीं, यार सबकी शक्लें अगर एक ही जैसी होगी तो आपको कैसे पता कि ये पार्टिकल इधर जा रहे हैं, वो उधर जा रहे हैं, वो उधर जा रहे हैं, हमें कैसे पता कौन किधर जा रहा है, सारे तो एक ही जैसे जा रहे हैं, है ना, तो हम इनको डिफाइन नहीं कर सकते किस तरीके से। अच्छा, अब क्योंकि हम इनको डिफाइन नहीं कर सकते तो हम इनके पाथ को ट्रेस भी नहीं कर सकते, हम कैसे ट्रेस करेंगे, हमें क्या पता कौन सा पार्टिकल किधर जा रहा है ना, जब हम पार्टिकल को आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते तो हम उसको ट्रेस कैसे करेंगे, ठीक। अच्छा, इतना आपको समझ में आ गया कि मैंने आपको क्या समझाया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और समझना, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स में फर्मी डिराक लगता है, जैसे उसमें एमबी लगता है ना, वैसे उसमें फर्मी डिराक लगता है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और समझना, क्वेश्चन जो आपको दिया होगा उसमें सिर्फ डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल को देख करके ही मत समझ जाना कि यहाँ पे एम बी लगानी है या यहाँ पे एफ डी लगानी है, ठीक, मतलब यहाँ पे मैक्सवेल बोल्ट्जमान लगाना है या फिर यहाँ पे फर्मी डिराक लगाना है, मेरी बात को ध्यान से समझना, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन में सिर्फ ये वर्डिंग्स देख के मत समझ जाना कि यहाँ पे अगर डिस्टिंग्विशेबल लिखा है तो यहाँ एम बी लगेगा, इनडिस्टिंग्विशेबल लगा है तो यहाँ पे एफ डी लगेगा, इसको देख करके मत समझना, क्वेश्चन में एनर्जी दी हुई होगी, ठीक है, उसको देखना, अगर एनर्जी आपकी कॉन्टिन्यूअस है तो वहां पे क्लासिकल लगेगा, अगर एनर्जी आपकी डिस्क्रीट है तो वहां पे क्वांटम लगेगा, क्वांटम मैकेनिकली मतलब वहां पे एफडी लगेगा, अगर एनर्जी कंटिन्यूअस है इसका मतलब क्लासिकली इन द सेंस वहां पे एमबी लगेगा, ठीक। क्वेश्चन में एनर्जी को देख करके समझना कि वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, वहां से पकड़ना, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने ऐसा देखा है कि चीजों को ना वो घुमा देता है, तो इस सिर्फ इससे आप डिफाइन मत करना इस चीज को, ठीक। अच्छा, अब आपके इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक फर्मियॉन्स एक बोशॉन्स, ठीक। अगर मैं फर्मियॉन्स की बात करूं, हाफ ऑड इंटीग्रल स्पिन, 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2, ठीक, एंड सो ऑन। बोशॉन्स मतलब बोस पार्टिकल्स मतलब उनकी इंटीग्रल स्पिन हो, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है, ये बोस आइंस्टीन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मेरी और बात सुनो, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या 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 बताना चाह रहे हैं आपको। एक दो और वर्ड इस्तेमाल होते हैं क्वेश्चंस में, वो है इंटरैक्टिंग और नॉन इंटरैक्टिंग। इसका मतलब तो आप एक वर्ड से ही समझ रहे होगे, इंटरैक्ट हो रहा है मतलब पार्टिकल्स आपस में इंटरैक्ट हो रहे हैं, और एक है नॉन इंटरैक्टिंग,
इसका मतलब पार्टिकल्स अपने नेबर पार्टिकल को अफेक्ट ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी, ठीक है। इट मींस वहां पे इंटरैक्शन एनर्जी उनकी, मतलब उनकी इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी उनकी वहां पे जीरो हो जाती है, ठीक। अच्छा, अब कुछ और चीजों के बारे में हम बात करें। कल मैंने आपको टर्म्स बताए थे मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट्स, ठीक है। इन दो टर्म्स के बारे में मैंने आपको कल कुछ थोड़ा सा बताया था। अब इसको हम डिफाइन करते हैं कि अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा आता है तो फिर वो क्या पूछना चाहता है या फिर वो क्या कहना चाहता है आपको, ठीक है। अब समझो, एक होती है थर्मोडायनेमिकल लिमिट, थर्मोडायनेमिकल लिमिट। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब किसी एक सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनफाइनाइट हो, मान लो, ठीक है, वॉल्यूम उसका इनफाइनाइट हो, ठीक, मगर जो डिवीजन होता है नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन टोटल वॉल्यूम वो एक फाइनाइट टर्म हो, उसको थर्मोडायनेमिकल लिमिट कहा जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो चीज आती है, एक उसकी इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी और एक उसकी एक्सट्रेंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। दो चीज डिफाइन होती है। हम एक्सट्रेंसिक प्रॉपर्टी को ये कह सकते हैं कि वो चीज जो सिस्टम के साइज और शेप पे डिपेंडेंट हो, ध्यान समझना मेरी बात को, वो चीज जो सिस्टम के शेप और साइज पे डिपेंडेंट हो उसको हम कहते हैं एक्सट्रेंसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। और वो चीज जो सिस्टम के शेप और साइज पे डिपेंडेंट ना हो उसको हम कहते हैं इंट्रेंसिक प्रॉपर्टीज। जैसे अगर हम एक्सट्रेंसिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो सिस्टम का एंट्रोपी, गिब्स हार्मोन्स और क्या कह सकते हैं, ये सब चीजें आपकी साइज पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। ये सब चीजें आपकी साइज पे डिपेंड करके चलती हैं, तो इनको हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम की एक्सट्रेंसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। और अगर हम दूसरी चीजों की बात करें जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, है ना, तो ये सब चीजें सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करती बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये उसकी क्या कह सकते हैं इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी होती है उस सिस्टम की, ठीक। अच्छा, अब मैक्रो स्टेट की बात करो। एक सिस्टम में, एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में कई सारे मैक्रो स्टेट्स होते हैं, समझना। एक सिस्टम के, एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में कई सारे मैक्रो स्टेट्स होते हैं, ठीक है। अब मैक्रो स्टेट्स मतलब जैसे अगर मैं तुम्हें कह दूं इसकी एनर्जी है, इसका वॉल्यूम है, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने हैं, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि ये उसके मैक्रो स्टेट्स हैं, ठीक। अब सुनो, एक मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग ढेर सारे माइक्रो स्टेट्स होते हैं। मेरी बात फिर से ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये सारे, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, थर्मोडायनेमिक की स्टडी हम क्या करते हैं मैक्रो स्टेट्स को देख करके, मतलब सिर्फ टेम्परेचर, प्रेशर, मतलब ऊपर की जो चीजें उसकी है सिस्टम की, उन चीजों को देख करके जो हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। उसमें हम मैक्रो स्टेट्स को देखते हैं, जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं एक सिस्टम्स को कुछ स्टेट्स में तोड़ो, ठीक है, जो उसके मैक्रो स्टेट्स हैं उसकी स्टडी हम थर्मोडायनेमिक में करते हैं, ठीक। अब उस एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट में कई सारे माइक्रो स्टेट्स होंगे, ठीक। अब उस कई सारे माइक्रो स्टेट्स की को हम स्टडी करते हैं, वो आता है आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक, ठीक। अब देखो, अगर मैं आपको माइक्रो स्टेट्स को और बेटर तरीके से डिफाइन करूं तो देखो, हम आपको एक चीज बताते हैं, ठीक। जैसे मान लो मैंने पानी बॉयल करने को रखा, ठीक। अब पानी पूरा का पूरा बॉयल हो गया, 100 डिग्री टेम्परेचर पे मैंने पानी को बॉयल कर दिया, ठीक। अब जब मैं पानी के लिए मैं गैस को ऑफ कर दूं तो पानी ठंडा होगा, कूलिंग पोजीशन पे आएगा, ठीक है। अब देखो, कूलिंग पोजीशन पे आने के लिए वो कई सारे फेजेस को चेंज करेगा, मेरी बात समझना, वो कई सारे फेजेस को चेंज करेगा। जैसे पहले उसका टेम्परेचर कुछ और था, प्रेशर कुछ और था, फिर थोड़ा सा ठंडा होगा, फिर टेम्परेचर कुछ और होगा, प्रेशर कुछ और होगा, फिर और नीचे आएगा टेम्परेचर प्रेशर, उसका कुछ और चलता चला जाएगा। अच्छा, टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, अभी मैंने आपको क्या बताया,
इंट्रेंसिक होती है प्रॉपर्टीज, ठीक है, एक सिस्टम की इंट्रेंसिक प्रॉपर्टीज होती है। तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज वो कई फेजेस को चेंज कर रहा है, ठीक है, ऐसे ही समझना। अगर एक माइक्रो स्टेट्स की हम बात करें, ठीक, जैसे मान लो एक सिस्टम में कई सारे मैक्रो स्टेट्स है, ठीक है, अब एक मैक्रो स्टेट को उठाओ, एक मैक्रो स्टेट में कई सारे माइक्रो स्टेट्स हैं, कई सारे माइक्रो स्टेट्स मतलब जैसे तुम उस सिस्टम को एज एग्जांपल ले लो, मैक्रो स्टेट वाले सिस्टम को तुम एज एग्जांपल ले लो कि वहां पे मैंने पूरा पानी बॉयल करके रखा है, ठीक है, अब जैसे जैसे वहां पे टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है, वैसे वैसे वो अपने फेजेस को चेंज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो स्टेट्स, वो कई सारे फेजेस को क्रॉस कर रहा है वहां पर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक। अब देखो, अब एक टर्म आता है मोस्ट प्रोबेबल माइक्रो स्टेट, मोस्ट प्रोबेबल माइक्रो स्टेट, इसका मतलब होता है कि आपका सिस्टम कौन से माइक्रो स्टेट में सबसे ज्यादा रहा है, इसका मतलब माइक्रो स्टेट अपने आप में सबसे बड़ा होगा, ठीक। आप देखो इसको भी अगर हम एज एग्जांपल आपको समझाएं, एक पानी का एक पानी कह रहा है, सॉरी फॉर दिस, देखो अगर मैं आपको पानी की ही बात करूं, ठीक है, अगर वो 0 डिग्री पे आ जाए टोटली फ्रीज, अगर वो 100 डिग्री पे जा जाए तो टोटली वो बॉइलिंग पॉइंट उसका आ जाता है, ठीक है, वो वहां पे बॉयल होने लगता है। अच्छा, अब देखो अगर मैं शुरू से लेकर अंत तक की बात करूं, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट से लेकर के अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट तक की आपसे बात करूं, ठीक है, तो इस वाले चीज में अगर आपको मैं डिफाइन करूं तो पानी बहुत सारे फेजेस से गुजरा है वहां तक जाने के लिए, टिल एट लास्ट तक जाने के लिए, ठीक। अब आपको अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये पूरा एक सिस्टम है, ठीक, इतने बड़े सिस्टम में माइक्रो स्टेट्स में बहुत सारे फेजेस से होकर के पानी गया, ठीक है, बहुत सारे फेजेस को उसने क्रॉस करा, ठीक। अगर आपको मैं ऐसा बोलूं कि बीच में जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है, अपना वाला जो रूम टेम्परेचर होता है, उस पे सबसे ज्यादा मतलब बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा समय तक वो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक, इसका मतलब वो टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, इसका मतलब वो मोस्ट प्रोबेबल टेम्परेचर है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, है? चलो अच्छा, एक तरीके से हम आपको और समझाने की कोशिश करते हैं कि जिस स्टेट में या फिर जिस टेम्परेचर पे कोई भी सिस्टम सबसे ज्यादा देर के लिए स्टे कर सकता है, जिस माइक्रो स्टेट में कोई भी सिस्टम सबसे ज्यादा समय के लिए स्टे कर सकता है, उस फेज में रह सकता है, उस स्टेट को कहा जाता है मोस्ट प्रोबेबल माइक्रो स्टेट, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है, ठीक। अच्छा, अब समझो एक चीज और, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर सिस्टम उसमें सबसे ज्यादा समय के लिए एक स्टेबल वे में है, तो उसको अगर मैं इक्विलिब्रियम के नाम से डिफाइन करूं तो आप बुरा तो नहीं मानोगे, हैं, गुस्सा तो नहीं हो जाओगे मेरे पे, हैं। अच्छा, अगर मैं उसको ऐसे इक्विलिब्रियम डिफाइन करूं तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये स्टेटमेंट पास अगर मैं करूं कि द इक्विलिब्रियम स्टेट इज मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल स्टेट बिकॉज सिस्टम इज पासिंग थ्रू ए लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, गलत तो नहीं होगा। अच्छा, अब मैंने इसमें एक वर्ड यूज करा मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, इसका मतलब यार उसमें इतने सारे फेजेस थे, हम उसको प्रिडिक्ट कैसे करेंगे, तो मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल हम उसको कह सकते हैं, ठीक। इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं कि उस सिस्टम की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी, एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान लगाओ थोड़ा, एस इज इक्वल टू के लॉग ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, वो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स को डिफाइन करता है, ठीक। तो जिस सिस्टम का माइक्रो स्टेट सबसे ज्यादा हो गया, क्या उस सिस्टम की एंट्रोपी ज्यादा नहीं होगी, तो अगर मैं ये बोलूं कि उस सिस्टम का एंट्रोपी भी सबसे ज्यादा होगा,
तो क्या गलत है? ठीक है, पॉइंट है. अच्छा, अब एंट्रोपी की आपने कहीं ना कहीं एक डेफिनेशन आप सबने पढ़े होंगे कि मोस्ट डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी. ठीक, देन अगर मैं ये बोलूं कि द इक्विलिब्रियम स्टेट इज द मोस्ट डिसऑर्डर्ड स्टेट सिंस द सिस्टम पासेस थ्रू ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट्स. मेरी बात समझना, लार्ज नंबर ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट्स इन इक्विलिब्रियम स्टेट, सो इट इज मोस्ट डिसऑर्डर्ड. आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि हम आपको क्या कहना चाहते हैं. ठीक, अच्छा, अब देखो हमने बात कहां से शुरू करी थी, थर्मोडायनेमिक पे. हम आए कहां पे, माइक्रोस्टेट्स पे, मतलब ओमेगा पे. इसका मतलब आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि किसी सिस्टम की एक्सट्रेंसिक प्रॉपर्टी होती है एंट्रोपी. ठीक, मगर उसकी इंट्रेंसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसकी माइक्रोस्टेट्स, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारे. ठीक, आपको मैंने कल के लेक्चर में भी एक चीज बताई थी कि थर्मोडायनेमिक में हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक में हम जो है स्टैट की चीजों से थर्मोडायनेमिक की चीजों को प्रूव कर देते हैं. इसका मतलब थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी एंट्रोपी है, माइक्रोस्टेट्स का अगर जो ओमेगा है वो स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी है. ठीक, इसका मतलब आपने स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी से आपने थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी प्रूव करी सिस्टम के अंदर तक जाकर के. दैट इज द पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक. वो आपको एक्यूरेटली हर कुछ अंदर तक जाके आइडेंटिफाई करके पता करके फिर बताता है. दैट इज द पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक. यही हम आपको कल भी समझाने की कोशिश कर रहे थे. ठीक है, इसका मतलब माइक्रोस्कोपिक स्टडी थर्मोडायनेमिकल रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है आपको. माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर से हम मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर को निकालते हैं. इसका मतलब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से हम थर्मोडायनेमिक्स को निकालते हैं. सही है? ठीक, अच्छा, अब एक स्टेटमेंट में और पास करूं आपको. मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट हैज लार्जेस्ट एंट्रोपी. ठीक, अब देखो क्यों मैंने बोला ये चीज. मोस्ट प्रोबेबल माइक्रो स्टेट इज ऑल्सो एन इक्विलिब्रियम स्टेट. पॉइंट है? अच्छा, सो इक्विलिब्रियम स्टेट हैज लार्जेस्ट एंट्रोपी, अभी आपको मैंने बताया. ठीक, सो दैट अगर हम ये चीज बोले कि मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट भी है, वो भी उसकी भी एंट्रोपी ज्यादा है. गलत तो नहीं है भाई, जाहिर सी बात है, अगर किसी मोस्ट प्रोबेबल माइक्रो स्टेट की एंट्रोपी ज्यादा होगी तो फिर मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट की भी तो एंट्रोपी ज्यादा होगी. अरे मैक्रो स्टेट में ही तो माइक्रो स्टेट्स आते हैं, है ना, तो इस चीज को भी मान सकते हैं हम. अच्छा, अब हमारे थर्मोडायनेमिक का थर्ड लॉ क्या होता है? S इज इक्वल टू के लॉग ओमेगा. एक स्टेटमेंट अगर मैं बोलूं थर्ड लॉ का, एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज जीरो. आप सबने पढ़ा होगा. अब मैं आपको इस स्टेटमेंट के बारे में बताऊं कि भाई क्यों जीरो. ऐसे थोड़ी कि आपने कह दिया, आपने मान लिया है, ऐसे थोड़ी होता है. अच्छा लाओ तो आप लोगों को बताते हैं कि कैसे जीरो. अब देखो, एट जीरो केल्विन टेम्परेचर, जीरो केल्विन है टेम्परेचर, वहां बिल्कुल जीरो है, इसका मतलब वहां सब कुछ फ्रीज हो चुका है. बात समझ रहे हो? वहां सब कुछ फ्रीज हो चुका है. जब वहां सब कुछ फ्रीज हो चुका होगा तो वो सारे के सारे मिलकर के एक ही नई स्टेट बन जाएंगे. जब आप पानी को फ्रीजर में डालते हो, ठीक है, तो वो अपने आप में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटे हुए होते हैं. ठीक, जैसे जैसे फ्रीजिंग पॉइंट घटती जाती है, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर घटता जा रहा है वो पूरा सब कुछ कंडेंस होकर के एक आइस के फॉर्म में नहीं बन जाता है.
तो वहां पे आपका होल सिस्टम एक ही तो बन गया, है ना, पूरा सिस्टम मतलब वहां पे फ्रीज हो गया। जब वहां पे सिस्टम आपका फ्रीज हो गया तो वहां पे क्या हुआ, आपका माइक्रोस्टेट क्या हो गया, वन हो गया। तो आपका ये जो फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू के लॉग ओमेगा, के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक, 1.38 समथिंग इसकी वैल्यू होती है। अब देखो एस इज इक्वल टू के लॉग ओमेगा, ठीक है, अब लॉग ओमेगा की जगह पे ओमेगा तो वन हो गया आपका, क्योंकि आपका इतने फ्रीजिंग पॉइंट पे सिर्फ वन हो गया ना माइक्रोस्टेट, ठीक, तो एस इज इक्वल टू के लॉग वन। लॉग वन की वैल्यू क्या होती है, जीरो। जब जीरो, तो इसीलिए कहा जाता है कि एट जीरो केल्विन टेम्परेचर होल यूनिवर्स आपका इज जीरो, उस पूरे होल यूनिवर्स की आपकी एंट्रोपी वहां पे जीरो हो जाती है, ठीक। चलो अब आगे हम आपको बताते हैं बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम कह सकते हैं कि इट टेल्स अबाउट एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए एनर्जी लेवल इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक। आपको पार्टिकल्स दिए होंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में, दिए होंगे एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए होंगे, कहीं कहीं आपके पार्टिकल्स की जनरेसी डीजनरेसी भी दी होगी। अच्छा, अब पार्टिकल की डीजनरेसी क्या होती है भैया, है ना, पार्टिकल की डीजनरेसी ये होती है कि कौन सा पार्टिकल कितने बार रिवाइज हुआ। जैसे अब मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल लेके रखते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, हम ना कुछ बच्चों को चॉकलेट्स बांट रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब चॉकलेट्स हम कुछ बच्चों को बांट रहे हैं, अब भाई मुझे तो उन बच्चों को इक्वली चॉकलेट्स देने हैं, ठीक। मगर उसमें ऐसा हुआ कि कोई बच्चा मेरे पास वापस पलट के आ गया, वो मेरे से फिर चॉकलेट लेके चला गया, पहले ले चुका था, फिर दोबारा लेके चला गया, फिर वो वापस घूम के आ गया, फिर मेरे से वो दोबारा चॉकलेट लेकर के चला गया। इसका क्या मतलब हुआ, उसके पास तो दो तीन बार चले गए, है ना, तो वो तीन क्या हो गई उसकी डीजेनरेसीज, इसका मतलब उसने तीन बार चीजों को रिपीट करा है, तो वो तीन उसकी डीजेनरेसी कहीं जाएंगी उस पार्टिकल की, ठीक है। अच्छा, अभी जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे सिस्टम में, तो आप एमबी एफडी और बीई बोस आइंस्टीन, इन तीनों का आप देखोगे कि किसी भी पार्टिकल का हम इन तीन तरीके से कैसे उनकी प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इन तीनों का अपना एक फॉर्मूला है जो कि हम आपको बताते हैं कल के लेक्चर में बताते हैं आपको, ठीक है। इनके डिस्ट्रीब्यूशन लॉज के बारे में बताते हैं, और उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं डायरेक्टली आपका एग्जांपल, ठीक है। मोस्ट प्रेडिक्टेबल चीज आपके एग्जांपल को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपके एग्जांपल में आप आगे पढ़ोगे थ्री टाइप्स, कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल, ठीक, और माइक्रो कैनोनिकल। जब आप माइक्रो कैनोनिकल एग्जांपल को स्टडी करोगे ना, तो उसी टाइम के उसी ड्यूरेशन में हम आपको ये सारे जो है तीनों बेसिकली बता देंगे, और आपको ओमेगा कैसे निकालना है उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हम आपको कल बताते हैं, ठीक। अच्छा अब सुनो, कल हम आपको पढ़ाएंगे फेज स्पेस, ठीक, फेज स्पेस। एग्जांपल को पढ़ाने के बाद हम आपको बताएंगे एग्जांपल कैसे होता है, क्या होता है, किस तरीके से काम होता है, और हमको जब हमारे पास सब कुछ था तो हमको एक एग्जांपल क्रिएट करने की क्या जरूरत पड़ी, इस एग्जांपल को हमने तीन पार्ट्स में क्यों तोड़ा, हम एक ही पार्ट में क्यों नहीं काम कर सकते थे, है ना, हमको तीन पार्ट में तोड़ने की जरूरत क्या पड़ी। एक चीज और कि कैनोनिकल एग्जांपल ही सबसे ज्यादा क्यों यूज होता है होल सिस्टम में, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कैनोनिकल एग्जांपल पर ही आते हैं, तो भाई क्यों आते हैं, बाकी दो से क्या दुश्मनी कर रखी है, हैं, बाकी दोनों क्या क्या कोई गलती कर रखी है, ये सब हम आपको कल बताएंगे। डिटेल है, थोड़ा सा लंबा जाएगा लेक्चर, आज तो काफी हो चुका है, तो आज के लिए बस इतना ही। वो थोड़ा सा लंबा जाएगा, थोड़ा सा लंबा है उसका डिस्क्रिप्शन, तो हम आपको आराम से कल समझाते हैं, कल पूरा बताते हैं। इन सब को बताने के बाद आपको मैंने एक स्टैंडर्ड बुक प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है, सीनी की, वाईकेएलएम की, हम ग्रुप में ट्रांसफर कर देंगे उन दोनों बुक को,
ठीक है, उन दोनों बुक से आप क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस करना, कल जब हम आपको ये पूरा बता देंगे तो हम आपको फिर डीपीपी देंगे, ठीक है। उस डीपीपी में कुछ क्वेश्चंस होंगे, उस क्वेश्चंस को ट्राई आउट करने की कोशिश करना। देखो मेरी बात समझो, कितना भी आप प्रीवियस ईयर लगा लो, मगर आप इतना तो समझते हो ना, प्रीवियस ईयर मतलब वो रिपीट तो करता नहीं क्वेश्चंस को, तो उसके पास क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं बार बार, वो कहाँ से क्वेश्चन प्रोवाइड करता है बार बार, है। इसका मतलब वो स्टैंडर्ड्स बुक्स होती हैं कुछ, उनके कुछ क्वेश्चंस को आप फॉलो करो, क्वेश्चंस को लगाओ, इससे आपका खुद का माइंडसेट होगा कि क्वेश्चन को किस किस तरीके से घुमाया जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है। आप उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करो, करने की कोशिश करो, नहीं आए तो मैं तो हुई, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, आप रैंडम वॉक के क्वेश्चंस को ट्राई आउट करो, उससे क्वेश्चंस को लगाओ, एंड कल हम आपको पूरा एग्जाम्पल पढ़ाते हैं, माइक्रोस्टेट पढ़ाते हैं, फेज स्पेस पढ़ाते हैं, और स्पेशली माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल हम आपको पढ़ाते हैं, और उसके बाद फिर कल हम आपको डीपीपी करते हैं प्रोवाइड, ठीक है, वो सबको पढ़ाने के बाद, ठीक, फिर आप करना, और जो नहीं आएगा अब मुझे बताना। अभी भी अगर इस लेक्चर में भी अगर आपको समझ में ना आया हो, या फिर कुछ मेरे बताने में या फिर कुछ टेढ़ा हुआ हो, या फिर आपको कुछ कंफ्यूजन हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो यार प्लीज गो थ्रू दैट, आप मुझसे डेफिनेटली पूछो, डेफिनेटली आप मुझसे इंक्वायरी करो चीजों की, आपके डाउट्स क्लियर होने बहुत जरूरी है, ठीक। ड्यूरिंग नेट का पेपर आपके बेसिक्स जब स्ट्रांग होंगे ना, आपका एक एक डाउट क्लियर होगा ना, तो आपका क्वेश्चन इजिली होगा पानी की तरह। देखो थ्योरी को अपने हाथ में थोड़ा सा स्ट्रांग रखो। थ्योरी का मतलब ये नहीं कि बुक पे बुक पढ़े जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट स्टफ है ना उसको अपने हाथ में स्ट्रांग रखो। इसीलिए हम पूरी होल स्टैटिस्टिक्स आपको एक स्टोरी की तरह डिफाइन करवा रहे हैं, ना तो हम बहुत ज्यादा लिख रहे हैं, ना तो हम आपको लंबा लंबा डिफाइन करा रहे हैं, कुछ नहीं, एक स्टोरी की तरह आपको बताते जा रहे हैं। आप वीडियो को एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, आपके दिमाग में चीजें सेट हो, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में चीजों को दिमाग में सेट करो कि वहां पे हो क्या रहा है। यार ध्यान रखो, अगर जड़ मजबूत होगी ना तो पेड़ अपने आप रहेगा सही। आपको जड़ को तो मजबूत करना पड़ेगा ना, बेसिक्स को डेफिनेटली आप स्ट्रांग रखो अपना, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना करो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, चलो बाय बाय, टिल देन।